इसे मतलब खेत में पिलुआ तो खाए ना हो दाना चल रहा है जब तक उड़ते हाँ देखिए गाइस भाग गया बगला सब इतना मस्त लग रहा है सीन ये देखिए गाइस हम आ चुके हैं चौड़ की हरियाली में भाई साहब बुला रहे हैं जरा चाचा मैं उनका चाचा लगूंगा मेरे भतीजा जी हैं फिर बुला रहे हैं साथ में गेहूँ देखने के लिए ये बहुत गड्ढा है हम दूर से आहू में कुछ है कि गेहूँ इतना भेल है भाभी तो धंसे वाला है देखिए गाइस कितना खतरनाक आई खदा के खना दिले कौन मठेन कुर्मी ओकरे है ना तो बुरा खतरनाक है लेकिन है मिट्टी खनन करके बेच दिया गया है गांव में जहां तहां मिट्टी खनन हो रहा है ये देखिए हमारे भतीजा श्री जी हैं बोलिए 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 वीडियो में आ रहे हैं कोई नहीं है वीडियो बनना है चलिए गेहूँ देखने चलिए गेहूँ देखने चलते हैं साथ में ब्लॉग बना लिया जाएगा चलिए कौन वाला वो तो साथ कैसे कि कान बेच दल गई कौन वाला खेत कुको वाला खेत बेच गई ये खेत पहले था बताइए वो ओकरा बेचवा दल के मतलब क्या कथा होता है पाँच कट्ठा है आई लल के बेचने वाला जी तो लोग तो भाई समय का फायदा उठावे जी कखनी समय मिले 50 से 52 हज़ार के कट्ठा बेचल 52 नहीं में सस्ते में नहीं पड़ लगे तो ये कहाँ भाई से यहाँ 70-80 से कम में ना बिके वाला है हाँ ना हम ले ली 42 हज़ार के कट्ठा याऊ अब जोर लोग कई नोटबंदी भलो तो नहीं साल के बाद एक किन से लिए हुए हैं अच्छा ओह मैं सरसों खूब लंबा लंबा है ना वो गेहूँ का दाना भी आ रहा है गाइस तो कहा चौड़िया में घर बनाए थे हाँ हाँ चिमनी के पास जमीन ले वो कहती है घेर ले इसे वो मतलब सुअर से बचने के लिए देखिए गाइस सुअर से बचने के लिए पूरा को आलू को घेरा गया है अब पुतला लगाया गया है जानवर को भगाने के लिए आगे जरा भंटन भैया का जमीन दिखलाया जाएगा केराव इतना मस्त केराव और मटर का दाल ये बहुत बम्पर है वही केकर ही हो आप अपने गाँव के गजब लेकिन है हो ना हो केराव ना है मटर वही केराव है केरैया है बवाल देखिए फसल हुआ है मुंशी जी के अच्छा गांव का डॉक्टर साहब जो है मुंशी जी बोलू चीचा उनका एक खेत है और इसमें क्या इसमें आलू है ना इसमें करेंटो है कि देखिए गाइस आलू है इसको घेर दिया गया है नहीं तो जंगली सुअर जो है पूरा तबाह कर देता है चलिए आज मैं अपने भतीजा साहब के साथ पूरे चौर का मुआयना कर लेता हूँ बगल में चिमनी था अब चिमनी तो ख़त्म है ना फिर वो भी देख लेंगे आज चिमनी को एकदम हटा हाँ क्या ना हाँ गेहूँ में अभी दोनों ना आ रहे फूट रहा है ना देखो तो ये कारण ना हो के वो बढ़िया पूरा जान मार दल के ना देख लो पानी के ना ना घास सब जान मार दल के तो फिर अच्छा गेहूँ में मतलब घास कम नहीं कर सके छो तो के ओकर दवाई दे दिया छ ना दवाई भी खाली बकल के दवाई छीटो दवाई हां पापा जी दवाई छीट लो तब तेरा सब गेहूँ में छीट ले हां छिटा ले बोलिन पड़ गेहूं पा एकदम एकदम हर के उहो पे खदा खंदले हे गांव लेकिन ऊचे मारा खराब लग छो
हर एक जगह खदा खान देले लगा में ते यही चोरी में यही लखन आला हुआ औ तो उन दिया सब फोन बा देले हम देखे छौ सही में लोग सब के बुद्धि कहां चल गेल है जहां जहां मन तहां खदा खान डाले आ वह ना बाप रे मनी कमता है अगल बगल का जमीन मतलब बीच में हां अच्छा अब पगड़ी बांध ले मुंटन भैया है मुंटन भैया मुंटन भैया चलो ना कदे कदे कहो ये है ना अच्छा ये दोनों बढ़िया है देखो भविष्य में मुंटन भाई के रोड निकलते ना तो इनका क्या होते पड़ल बताओ आए वाला समय में ही बहुत महंगा होते देखिए गाइस अच्छा भुंटन भैया के देखिए भुंटन भैया अपना साम्राज्य बढ़ाते हुए आप अहोबा चिमनी वाला है खादा के हैं चिमनी वाला है ना बस वीडियो बना रहे भाई हम पंजाबी ले हाँ देखिए वही हम दूर से बोल रहे हैं कि पंजाबी कौन आ गया बिहार में खतरनाक है स्माइल देखिए इनका हाँ अब भुंटू भैया कहाँ भुंटू भैया हम सब भाग रहा अच्छा वाह देखिए गाइस ये हमारे भुंटुन भैया जी हैं पूरा एकदम आसन लगाए हुए हैं क्या बात है क्या कर रहे हैं आप रखवारी कर रहे हैं क्या चीज़ का रखवारी हो रहा है बैठे थे लोग तो बैठे गए हैं कब सा पुराना ये तो सरसों है ना तो ये है सरसों तो ना देख ली गाँव में कहूँ पंजाबी तोरा एक तो मतलब जो है लेकिन सरसों ही में हो तोरा ना सरसों तोरा हो लाल लता अच्छा एको तेल निकल ना तेल तो दोनों में निकल छै ओ सब ओ लगन सब सो है ए ने बाबा तो फिर बोल दे कमाए कमाए जा कर ले सब समझ में ना आवे सब तोरे ना अब बीच में के घास सब कट लेगी गाय लागी रे भोले ओहो ई सब काट के दे जाए केसरिया तू का गेला ला चलो भोर में सवेरे गेला सामने सामने चिमनी था गाइस इसका वीडियो मैंने अगले पिछले वीडियो में आपको दिखाया होगा और आप जाकर देखेंगे कि चिमनी यहाँ से डिमोलिश कर दिया गया है हटा दिया गया है अच्छा चिमनी मतलब क्या साल हो रही फेकल पाँच छः साल फेल मतलब पाँच छः साल में चिमनी के ख़त्म कर देवे कहीं भोर पे चला तो भी तू इधर चल आओ ना खेन घर के ले कौन है सारा अभी अली पानी पटा ले गेहूं बांध रहे लगे पानी लेकिन जुगाड़ लगा लगे हम देख लेते अभी वही में भेले एगो मुंह के भरे की डाला लगे ए के थरियो गिर गेले ये की कथे मंदिर में तो यहां तो ऊपर है हां हां ऊपर है की ओ अच्छा बिहार में लोग सब ना हां एक आधा आदमी वहां की भेले से माने दू गो लाइन आज लेडीज वाला 26 जनवरी और सरस्वती पूजा एक ही दिन है इसके बाद से आज जलधरी जो है बसंत पंचमी के दिन आज का जो है जलधरी का ये होता है तो उसमें भीड़ भाड़ के बारे में बात कर रहे थे और देखिए शाम का समय है कितना अच्छा सनसेट हो रहा है आगे मैं आपको चिमनी का यहाँ पे गाइस ये जो है आड़ी पे जो है लहरी का दाल जो है लहरी वो भी अच्छा खासा पौष्टिक दाल होता है वो आरी पे ही लगाया जाता है एकदम झाड़ की तरह होता है अच्छा ये लहरी की दाल तैयार होने में क्या महीना समय लगे मतलब कब तो भाई तो भाई से लेकर तैयार हो तक छः महीना तो लगे वही ना बोले बहुत ही लंबा समय लेता है ये दाल लेकिन महंगा भी तो हो बढ़िया भी होता है और देखिए जगह जगह पोल और वायर जो है पूरे चौर तक पहुंचा दिया गया है कि पानी पटाने के लिए मोटर का यूज किया जाता है
तो बिजली की कोई दिक्कत नहीं है गाँव में। चिमनी के लाइफ कितने होइछे, मतलब 10 साल 5 साल 20 साल के लाइफ होइछे, तो 5 साल 10 साल 10 साल मतलब चिमनी के बनावट पे डिपेंड करै छै ना, 10 साल होते कि 20 साल होते। ये बड़का चोरी हो फंटूर हो। हां ई बात छेरे गाइस, आगे मैं चिमनी दिखाऊंगा। चिमनी ने कटे डाला, खैनी के लिए कंजूसी कर रहे हैं, जल्दी दीजिए। कौन आदमी खैनी लगा रहे हैं? कहां कौन लगा रहा है? नहीं लगाइएगा। देखिए गाइस, चिमनी के पास आ चुके हैं, पूरा एकदम उराही किया गया है चिमनी का। वो ऑफिस है, अब ऑफिस में कुछ दिन में हट जाएगा ना। चलिए जरा चिमनी दिखाएंगे। माय नेफ्यू हाँ, एक को ईटा ना छोड़ते। कहने में आ रहा है कि हर एक चीज चिमनी का जो है लेके लोग चले जाएंगे। देखिए गाइस, यहीं पे बहुत यही था चिमनी का था, मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड था, ईटा पकता था। अब देखिए चिमनी को पूरा डिमोलिश कर दिया गया है, उसके बाद ये पूरा नज़ारा है। मेन चिमनी का ये अच्छा था ना, बम्मा रहा बड़का। अच्छा, जहाँ पे मेन जो है चिमनी का जो रहता है वो बहुत लंबा सा रहता है, उसको बम्मा बोलते हैं, पाइप बोलते हैं। मेन यहाँ पर था, इसी में कोयला डाल के धुआं यहाँ से ऊपर को निकलता था। बाकी आगे की हो रही है पूरा एकदम, बस हमको लगा कि कुछ विशेष हुआ। और तो इसे मतलब मशीनों रहता है कि कुछ नहीं? देखिए गाइस, यही है चिमनी का मेन जगह। बाकी ये पूरा तोड़ने के बाद जो अवशेष बचा हुआ है, और काते काते जहाँ जहाँ मिट्टी रखा वहाँ पे ईटा रख के ईटा को पकाया जाता था। देखिए कुछ कुछ ईटा बचा हुआ है ना, वो ये सारा साफ कर दिया जाएगा। देखिए ये सब पिलर से बीच में था ना, क्या मजबूती ना कर लिया गाइस। ये पूरा रहा ग्राउंड, अब ये जमीन सब जिसका जिसका रहा होगा उसको जमीन दे दिया जाएगा वापस, लेकिन कुछ साल के बाद धीरे धीरे जमीन उपजाऊ बनेगा। अभी तो जमीन जमीन बंजर हो चुका है कि नहीं, इसको उपजाऊ बनने में समय लगेगा। कट लगा हुआ है यहाँ पे, और ये सब था, ये सब इसमें से मिट्टी ले लेके ईटा बनाया जाता था। सारा काम चिमनी देख ले, बस थोड़ा ही था हमको लगा कुछ विशेष बात होगा चिमनी में, सब हटा जाएगा। अच्छा तोड़ा होगा चिमनी तो मतलब धराम से गिरा होगा, हो वहाँ उस वक्त देखने वाला था। गाय जाकर देखिए, पेड़ गिरा हुआ है, जड़ से उखड़ा हुआ है, और धराम से बम लेकर तो अच्छी तरह कट गई। जैसी भी से आदमी गिरा है, आदमी गिरा तो गिर से थोड़ा कल हां ना, तो कथी से होते गिरा ले हथौड़ी से। अच्छा फोर से हमको लगा जैसी भी से गिरा मार के। के कितना अच्छा अच्छा सरसों का फूल तो है अभी के टाइम में जो है, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए गाइस, क्या चीज का है बिच्छन, ये क्या चीज का फसल है पता नहीं चल रहा है, पानी दिया गया। हो रहा चौड़ी का जुआ पेड़, इसे पिछली वीडियो में ना को दिखाया होगा।